जहां एक तरफ पूरे बिहार में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है, वहीं दूसरी तरफ एक नदी ऐसी भी है जो शराब उगल रही है। बिहार पुलिस ने नदी के अंदर से शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार के गया जिले में मंगलवार की सुबह पुलिस ने नदी में शराब माफियाओं के द्वारा छुपा कर रखे गए अवैध शराब को बरामद किया है। यह देख पुलिस भी चौंक गई। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोशिला गांव के समीप स्थित नदी का है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को मगध विश्वविद्यालय थाने की पुलिस कोशिला गांव के समीप स्थित नदी के किनारे नदी में छानबीन कर रही थी। पानी में घुसकर जांच करते देख लोग हैरान हो रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस नदी में क्या तलाश कर रही है। नदी में पुलिस बल को देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग कुछ और समझते तब तक पुलिस नदी से एक एक कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने लगी। लोगों की नजर जब बरामद शराब पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस शराब को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में मगध विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोशिला गांव के समीप स्थित नदी में शराब माफिया अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोशिला गांव में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। वे पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और नदी में काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब फिर यह बताया गया कि शराब की खेप को नदी में गड्ढा कर छुपा कर रखा गया है। उक्त सूचना के आधार पर फिर से नदी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। नदी से जब्त अवैध शराब को थाने लाया गया, जहां जब्त विदेशी और देशी शराब की गिनती की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।